सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आ गए एक और नई वीडियो, जिसके अंदर अपन लोग आपसे शेयर करने वाले हैं लेसन प्लान, जो कि रहने वाला है हमारा RCM अप्रोच के ऊपर। ठीक है, जो आपको थंबनेल के अंदर दिख गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा वाटर। ठीक है, जो आपको दिख रहा है थंबनेल के अंदर दिख गया होगा। तो अपन लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आपको जो है इसका लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको माइंड के अंदर रखनी है, या किस टाइप के मोटिवेशन क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं हमारे, क्या आपको जो है वो एक फॉलो जो है वो पैटर्न करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और आपको जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि बहुत हेल्प होने वाली है, और ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए वीडियो। ठीक है, बस आप लोगों को एक ही चीज़ करनी है, वो ये कि आपको हमारे साथ जुड़े रहने, जुड़े रहने के लिए आपको कर देना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, बाकी अपन लोग को कुछ नहीं करना है, तो बाकी जो भी करेंगे अपन लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो RCM अप्रोच लेसन प्लान हमारा रहने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले तो आप YouTube फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, तो अपन लोग अगर बात करें तो RCM अप्रोच के, आप सबको पता है कितने स्टेप्स होते हैं हमारे। जब भी हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो हमें 4 जो है वो स्टेजेस कवर करनी पड़ती है। एक तो अपन लोग आता है आइडेंटिफिकेशन डेटा, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है पूरा डिटेल आएगा। ठीक है, और दूसरा आपका इनपुट आ जाएगा, देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट अपन लोग का रहता है। ठीक है, तो हम वन बाई वन देखेंगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर आप सबको पता है नेम ऑफ द पीपल टीचर, रोल नंबर आ जाएगा आपका, क्लास कौन सी है, ठीक है, श्रेणी, कक्षा, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा आपका, विषय एंड एस्पेक्ट क्या है उसका, फिजिकल साइंस जैसे। ठीक है, टॉपिक अपन लोग का रहेगा वाटर, एंड ड्यूरेशन आप सबको पता है ये क्या रहता है, जो एक जनरल जो हमारा लेक्चर होता है उसकी जितनी ड्यूरेशन होती है। ठीक है, तो 30 से लेके 40 मिनट्स या 30 से लेके 35 मिनट्स। ठीक है, ये अपन लोग आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं। डेट की बात करें तो डेट उसी दिन आएगा जिस दिन आपको डिलीवर करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है, वो ये होती है कि जब भी आप लेसन प्लान प्रिपेयर करो ना, तो यहाँ पे उसके साइड में मिनीचर ज़रूर अटैच करना है। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, मिनीचर उस साइड लगा सकते हो, आइडेंटिफिकेशन डेटा इस साइड लिख सकते हो, लेकिन इस साइड बेस्ट रहेगा, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो चीज़ें चलेंगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी आप टीचिंग एड बनाते हो उसका पिक लो, उसका प्रिंट आउट निकालो, छोटा सा मिनीचर। ठीक है, एक A4 शीट पे आप जो है 4 जो है लेसन प्लान की पिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और उनको फिर जो है वो कट करके यहाँ पे अच्छे से जो है वो लगा सकते हैं, और डेकोरेट भी कर सकते हैं, बाहर से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा अपन लोग का आइडेंटिफिकेशन डेटा। उसके बाद अपन लोग आ जाएंगे सेकंड स्टेप पे, जिसके अंदर अपन लोग देखते हैं इनपुट। ठीक है, तो इनपुट के अंदर अपन लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर अपना रहे कुछ स्टेप्स आते हैं, जैसे टीचिंग पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हमारा वाटर टॉपिक है तो इसके अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की, तो ये रहेगा हमारा पहला। फिर आ जाएगा सोर्सेज क्या है वाटर के, यूजेस क्या है वाटर के, और वाटरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इनके बारे में अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। टीचिंग पॉइंट्स मीन्स क्या पढ़ाने वाले हो आप। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन क्या रहने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य क्या होंगे आपके जो भी आपने लेसन बनाया है। ठीक है, तो पहली बात तो साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस के अंदर क्या होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड टेम्पर जो है वो हमें इंकल्केट करना है किसके बीच में, यानी अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा टू डेवलप द स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के जो है वो अंदर हमें एक एक्सपेरिमेंटेशन की जो स्किल है यानी कौशल है वो हमें विकास करना है उसका। ठीक है, फिर आज आ जाएगा यहाँ पे डेवलपमेंट करना है इमेजिनेशन, कल्पना करने की जो पावर है, एनालिसिस स्किल जो है वो उनके अंदर जो है उसका विकास करना है किसके अंदर, बच्चों के अंदर। ठीक है, फिर टू डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने की स्किल भी, देखो अब जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ पर हमने जो भी टीचिंग एड यूज़ करा है, चार्ट या फिर आपका जो भी मॉडल रहने वाला है, तो वहाँ पर क्या रहने वाला है कि ऑब्जर्व करना, बच्चों को हमें सिखाना है कि कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ये भी स्किल हमारा जो है वो डेवलप करना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद डेवलप एंड इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनोवेशन इसको बढ़ावा देना और इसका विकास करना। ठीक है, और क्रिएटिविटी का, ठीक है, किसके, बच्चों के बीच में, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव्स रहता है। इनोवेशन मीन्स न्यू आइडिया, न्यू स्किल्स, ये आप सबको पता है। ठीक है, मतलब इनोवेटिव तरीके से सोचना, क्रिएटिव तरीके से, न्यू वे से। उसके बाद टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर विद नॉलेज ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में जो भी साइंस की नॉलेज है यानी विज्ञान का जो ज्ञान है, इसकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बच्चों को जागरूक करना, ये भी अपन लोग का रहेगा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लगे आप इनमें से उतार सकते हो, मिनिमम आपके 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उससे ज़्यादा आप जितने मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम की बात करें तो क्या मतलब, इसका शॉर्ट फॉर्म आप सबको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, EBO इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन लोग का क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो है वो क्या क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस आ सकती हैं,
यानी जब हम ये लेसन कंप्लीट करवा देंगे, जब हमने पूरा लेसन डिलीवर कर दिया टॉपिक, तो उसके बाद बच्चा क्या योग्य होगा, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज जो वो डेवलप हो जाएंगी या क्या क्या उसके बिहेव में चेंजेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो वो ये करने के योग्य हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या रिकॉल वेरियस यूजेस ऑफ वाटर, तो वो मतलब उसको याद करेगा वो कि क्या क्या जो है वो यूजेस थे वाटर के, ठीक है, अंडरस्टैंड करेगा जैसे इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की। उसके बाद एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन मतलब कि एनालिसिस करेगा द यूज़ ऑफ वाटर एंड हाउ टू कंजर्व द वाटर, तो ये फर्दर जो है वो भी अंडरस्टैंडिंग इसकी जो भी होगी, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़ लिया उसने, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जो है वो इसकी एप्लीकेशन करेगा कि अगर इंपॉर्टेंट है वाटर तो हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो ये अप्लाई करेगा जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है इन द फ्यूचर स्टडी में, ठीक है, या फॉर फर्दर स्टडी करने के लिए। तो ये यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद बी फोर स्टेप आता है जिसके अंदर हमारा टीचिंग एड रहता है, जो भी हमने शिक्षक के लिए जो हमने सहायक जो हमने यूज़ करी है, ठीक है, सामग्री जो भी है हमारा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है जनरल टीचिंग एड आती है, मतलब सामान्य जो हमारी टीचिंग एड रहेंगी इसके, जो भी हमारा एक जनरल क्लासरूम के अंदर अपरेटस रहता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर, ये सारी की सारी हमारी किसके अंदर आती है जनरल टीचिंग एड्स के अंदर। स्पेसिफिक टीचिंग एड की बात करें मतलब पर्टिकुलर दैट इज रेलिवेंट टू द टॉपिक जो आप पढ़ाने चाह रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आप लोग देखो चार्ट शोइंग डिफरेंट सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ वाटर, तो आप जो है वो एक चार्ट बना सकते हो जिसमें सोर्सेज के भी बता सकते हो कि रिवर का डायग्राम हो गया, जैसे लेक्स होगी, पॉन्ड्स हो गए, है ना, या फिर वेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप उस पर डायग्राम बना सकते हो। फिर यूजेस ऑफ वाटर बता सकते हो, आप पिक्चर दिखा सकते हो, जैसे कहीं पे इरिगेशन जो है वो एग्रीकल्चर में कोई जो है वो इरिगेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप एक के यूजेस बता दोगे, ठीक है, कहीं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है या फिर कहीं पे भी हो रहा है, इनकी सबकी पिक्स जो है वो आप एक चार्ट के ऊपर बना के ले जाओ एंड बच्चों को दिखा दो, ठीक है, तो ये अपन लोग रहेगा स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर। उसके बाद हमारा देखते हैं प्रोसेस आ जाता है सी स्टेप, जिसके अंदर हमारा पहला स्टेप होता है मोटिवेशन, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है, और मोटिवेशन देखो मोटिवेशन हमेशा हम ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पूछ के ही कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पिक्चर ऐड कर सकते हो, ठीक है, पिक्चर दिखा सकते हो बच्चों को, फोटोग्राफ्स दिखा सकते हो, कोई स्टोरी जो है रेलिवेंट टू द टॉपिक, यानी टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए, वो स्टोरी बता सकते हो एंड देन उसके साथ रिलेट कर करके आप बच्चों से क्वेश्चन पूछो, एंड देन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, फोटोज़ हो गए, जैसे आप फोटो दिखाओ कोई, ठीक है, कोई डायग्राम दिखाओ या फिर किसी रियल लाइफ जो इंसिडेंट है उससे कनेक्ट करो जो भी है, तो उसके थ्रू आप जो है वो मोटिवेशन कर सकते हैं। मोटिवेशन का हमारा मोटिव क्या होता है अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट, बच्चों में इंटरेस्ट रुचि जो है वो पैदा करने के लिए, किसके लिए, टॉपिक जो भी हमारा होने वाला है, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसके रिलेटेड जो है बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना, या फिर जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, जो पूर्व ज्ञान है उनका उस टॉपिक के बारे में, उसको जो है टेस्ट करने के लिए हम जो है वो पीपल टीचर जो है विल आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके अंदर पहला तो व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो नेसेसिटीज क्या है लाइफ की, तो सबसे पहले बच्चे यही बोलेंगे, ये हमारे एक्सपेक्टेड आंसर रहते हैं, आप सबको पता है, जैसे फूड या वाटर हो गया। फिर कहता है व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन वी आर थर्स्टी, या ठीक है, तो जब हम प्यासे होते हैं तो हम क्या पीते हैं, तो वाटर पीते हैं, ठीक है। फिर कहता है वाटर दी अदर यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के और क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इसका यूज़ है, जैसे बाथिंग में हो गया, बच्चे जो है जवाब देंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर है बाथिंग हो गया, वाशिंग हो गया, एनिमल ड्रिंकिंग एट्सेट्रा, और भी आप ऐड कर सकते हो। फिर हमारा फोर्थ रहेगा कि वाटर द डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं वाटर के, क्या साधन है वाटर के पानी के, ठीक है, तो ये आप रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, एक्वेल्स, लेक्स, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर बच्चे। फिर कहते हैं वाटर द वेरियस मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो वाटर कंजर्व करने के क्या क्या मेथड हैं, ये बच्चे को पता भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, तो द स्टूडेंट्स मे आर मे नॉट रिस्पॉन्स, हमेशा अवॉइड करने की, यहाँ पे हमेशा बड़े सारे बच्चे जो वो गलती करते हैं, सीधा लिख देते हैं नो रिस्पॉन्स, ठीक है, तो वो हमेशा टोटली गलत है, ठीक है, बटे सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सीधा नो रिस्पॉन्स, तो नो रिस्पॉन्स नहीं होता कभी भी, देखो ऐसा नहीं है कि पता ना हो, अब मान लो कि 40 बच्चे हैं वहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं होगा किसी को पता नहीं होगा, ठीक है, कोई तो एक आधा बता ही देगा, तो इसलिए कभी भी यहाँ पे नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना है, ठीक है, हमेशा यहाँ पे ट्राई करना है कि यहाँ पे आएगा अपने लोगों का लास्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि मे आर मे नॉट, मतलब आप दे भी सकते हैं वो या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है, तो देखो जैसे ही ये लास्ट क्वेश्चन पूछा तो इससे इसका आंसर देना है, अगर वो नहीं देते हैं आंसर तो फिर आप लोग इसका जो है वो आंसर दोगे, ठीक है, कि बच्चा ये होता है, ठीक है, अगर दे देते हैं तो वेल गुड, बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर आप इसका पहले आंसर दोगे, द स्टूडेंट्स देर आर द वेरियस मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, फिर आप उनके नाम बता दोगे, फिर उसके बाद आप ये लाइन जो मैंने अभी बोला कि देर आर द वेरियस मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, फिर उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज फ्राम द स्टूडेंट्स, इसके पीछे ये वाली लाइन ऐड कर देना जो मैंने बोला,
फिर आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट द पीपल टीचर अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर चैप्टर वाटर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर है ठीक है विद दिस पीपल टीचर जो है वो टॉपिक का नाम जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा तो अभी अपन लोग जो है वो ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखते हैं टॉपिक का नहीं कि जबकि हम इंटरव्यू है तो सीधा डायरेक्टली जो है वो टॉपिक का नाम नहीं लिखते हैं ठीक है आप सबको पता है जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा रहता है ना ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे इंटर हुए तभी आपने जो है वो नहीं लिखना है वहाँ पे नाम जो भी टॉपिक है आपका ठीक है टॉपिक का नाम मोटिवेशन के बाद आप लिखोगे ठीक है ये आप सबको पता है और यहाँ पे हमेशा आई एम गोइंग टू टीच कभी नहीं लिखना ठीक है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये कभी नहीं होगा देखो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ आपको ही आता है जो आप पढ़ाओगे ठीक है तो ये बात गलत है यहाँ पे आप कभी भी आई एम गोइंग टू टीच ये नहीं लिखना है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि हम पढ़ने जा रहे हैं हम सीखने जा रहे हैं ठीक है तो उनको भी पता है जो भी वाटर है इसके बारे में ऑलरेडी ठीक है उसके बाद क्या रहेगा अपना प्रेजेंटेशन टॉपिक जैसे सी फोर पार्ट जो है इसमें आता है प्रेजेंटेशन मतलब आप प्रेजेंट करोगे ठीक है इसमें हमारा रहता है कंटेंट रहता है पीपल टीचर की एक्टिविटी क्या रहने वाली है ठीक है और स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या रहेगी और वीवी समरी ठीक है ये हमारे यहाँ पे चार कॉलम रहते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या क्या जैसे वाटर तो वाटर के बारे में द पीपल टीचर विल गिव एन ओवरव्यू ऑफ वाटर का ओवरव्यू देगा स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली ध्यान से सुनेंगे और अटेंटिवली ठीक है उसके बाद वाटर तो वाटर क्या है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि केमिकल फार्मूला होता है जिसका H2O एंड इट इज़ अ क्लियर कलरलेस होता है साफ सुथरा मतलब क्लियर होता है इसका कोई रंग नहीं होता है ट्रांसपेरेंट होता है मतलब पारदर्शी होता है जिसके आर पार दिख जाता है टेस्टलेस होता है कोई भी इसका जो है वो टेस्ट नहीं होता और एक लिक्विड है टेस्टलेस लिक्विड है ठीक है ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया देन आप जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है वो आप सेकंड पे आ जाओगे कि द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द स्टूडेंट्स एंड विल राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड ठीक है तो ब्लैक बोर्ड पे आप जो है वो लिख दोगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ठीक है या फिर आप बच्चों से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि वाटर जो है वो नेसेसरी फॉर सैनिटेशन एंड वॉशिंग के लिए ठीक है साफ सफाई के लिए खाना पकाने के लिए नहाने के लिए क्रॉप्स को जो है वो ग्रो करने के लिए पैदा या उनकी उपजाऊ के लिए यानी पैदावार के लिए ठीक है वाटर फॉर रेजिंग एनिमल्स ठीक है उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पानी की जो इंपॉर्टेंस है वाटर इन मेडिकल प्रोसीजर्स ठीक है तो ये हमारे यहाँ पे रहेंगे बच्चों से भी आप पूछ सकते हो फिर आ जाएगा हमारा कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या रहने वाले हैं साधन क्या क्या हैं वाटर के पानी के तो पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स वन बाई वन फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर फॉर देयर होम तो एक एक करके आप किसी भी बच्चे को रैंडमली खड़ा कर सकते हो और पूछ सकते हो कि आप जो आप अपने घर के लिए या फिर पानी कहाँ से लाते हो या कहाँ से आपको मिलता है ठीक है तो फिर लिसन केयरफुली ये तो इसका आ जाएगा जैसे क्वेश्चन पूछा फिर स्टूडेंट विल गिव आंसर वन बाई वन तो बड़े सारे बच्चे जो है वो जवाब देंगे कि कुछ तो बोलेंगे कि हम सर जो है वो रिवर से लाते हैं कुछ जो है वो बोलेंगे वेल से लाते हैं ठीक है फिर आप जो है वो सोर्सेस के बारे में उनको बता दोगे ठीक है जो भी आप सोर्सेस हैं वो फर्दर आप एक्सप्लेन करोगे ओशन लेक सीज रिवर पॉन्ड्स रिवर रेन वाटर एक्सेट्रा ठीक है तो पीपल टीचर विल साइमल्टेनियसली ये लिख रखा कि साथ साथ में जो टीचर है पीपल टीचर है वो जो भी आंसर जो बताएंगे बच्चे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता रहेगा ठीक है तो ये रहेगा उसके बाद आ जाएगा कि यूजेस क्या क्या हैं इसके क्या इस्तेमाल है पानी के तो यहाँ आएगा पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स व्हाट आर दी वेरियस यूजेस ठीक है तो यहाँ पे आप कॉलोन बना लेना कहते हैं कि व्हाट आर द ये ऐसे करके जो होता है ठीक है फिर क्या यूजेस हैं वाटर के एट योर होम बच्चों से पूछेंगे तो स्टूडेंट जो है वो आंसर देंगे कि ड्रिंकिंग के लिए ना पीने के लिए कपड़े धोने के लिए यानी धोने के लिए कुकिंग खाना बनाने के लिए एनिमल को धोने के लिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए वाटरिंग प्लांट मतलब पौधों को पानी देने के लिए तो यहाँ पे हमारा यहाँ यूजेस होते हैं वाटर के फिर क्या आएगा पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा फर्दर यूजेस ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ चार्ट की हेल्प से जो है वो फर्दर आप जो है वो जो भी आपने टीचिंग एड बनाई है और एक बात यहाँ पे क्या होता है कि टीचिंग एड आप जो है वो उसी साह में जो है वो लगा दोगे आगे जहाँ पे भी जगह आपको मिलती है ब्लैक बोर्ड के साइड पे जो भी आप वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो उसके साइड पे जगह होती है और ये आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के टाइम ही जो है वो अटैच कर देते हो ठीक है ये बात याद रखनी है पॉइंटर लेके जाना ध्यान से रखना है अपने साथ ठीक है देखो चीज़ें मैटर ये नहीं करता है कि आप लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर ठीक है मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला फ़र्क इस चीज़ से पड़ने वाला कि आप कितनी चीज़ें जो है वो सीखते हो रियल लाइफ देखो टीचिंग अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है एमएड में वो एक ही चीज़ है वो है हमारा प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं जैसे हमारा माइक्रो टीचिंग हो गया मैक्रो टीचिंग हो गया यानी टीचिंग प्रैक्टिस हमारा ठीक है इंटर्नशिप हो गई ये कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं
और बड़े सारे बच्चे जो है ना इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ें सीखते हो। देखो, आप अगर डरोगे कि वहाँ पे मेरे को ये करना है, वो करना है, मुझे लेसन प्लान डिलीवर करना है, ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे तो आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट्स विल लुक केयरफुली एट द चार्ट, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ड्रिंकिंग आप वन बाय वन करके बना दोगे कि ड्रिंकिंग के लिए जैसे जो है वो ह्यूमन एनिमल्स हो गया, इनको नीड पड़ती है पानी की। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो ध्यान से सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद बाथिंग आ गया कि बाथिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गया। द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन स्टूडेंट यूज ऑफ वाटर फॉर बाथिंग के लिए, ध्यान से सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फिर कुकिंग के लिए आ गया, खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, ठीक है, या फिर वेजिटेबल फ्रूट्स को धोना है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद वाटरिंग प्लांट्स हो गया, जैसे घर पे जो भी हमने पेड़ पौधे लगाए हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है, जो हम घर पे लगाते हैं ऐसे शो शो के लिए, ठीक है, गमलों के अंदर, तो वो सारी उनको वाटर करना है, या फिर दूसरे प्लांट्स जो भी हैं हमारे घर के बगीचे में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप सारी लाइनें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये रहेगा अपने का प्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें आपसे शेयर करी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोजर। देखो, क्लोजर ये होता है, इसको हम जर्नलाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब जर्नलाइज करना है जो भी आपने चीज़ें पढ़ाई हैं उनको अपन लोग अब क्या करेंगे, एकदम सिस्टमेटिक तरीके, ताकि एक समरी यानी ओवरव्यू प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को जो भी आज पढ़ा। तो फिर उसके बाद क्या बोलोगे, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्न अबाउट वाटर इज द प्रीशियस सोर्स ऑफ द ऑन अर्थ, सॉरी प्रीशियस सोर्स है, एक बहुमूल्य जो है वो एक साधन है किस पे, जमीन पे। देर आर द न्यूमरस सोर्सेस ऑफ वाटर, बहुत सारे जो है वो सोर्सेस है वाटर के, जैसे लाइक ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, रेन, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, फिर वेरियस यूज ऑफ वाटर आर, तो बता दोगे इसके साथ ही। पहले तो आ गया कि ये बहुत एक बहुमूल्य जो है वो सदा साधन है जमीन पे, है ना, इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, फिर इसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो ये सारा आप जो अब क्लोज करोगे अभी टॉपिक को, मतलब ओवरव्यू एकदम समरी बना के। ठीक है, इसमें हमारा ड्रिंकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, कुकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे यूज़ करते हैं, और भी आप जो है वो ऐड कर सकते हो। फिर दैट्स ऑल फॉर टूडे एंड रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू टूमारो, ठीक है, तो ये लाइन जरूर लिखनी है। देखो, आप ऐसे नहीं है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आपने सभी करवा दिया होगा, ठीक है, या सब हो गया हमारा ये, ठीक है, कुछ तो बचा होगा, तो आप बच्चों को बोलोगे कि आज के लिए इतना ही, कल अब हम कंटिन्यू करेंगे जो बचा है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट जो स्टेप रहता है, इसके अंदर आपको पता है डी यानी आउटपुट आता है, कि आउटपुट मतलब अभी क्या हमारा, जैसे हमारा इनपुट क्या होता है, जो भी हमने मतलब इनपुट दिया, जो भी डेटा हमने इंटर करा, मतलब एज एक सिस्टमेटिक तरीके से, फिर हमारा प्रोसेस हुआ कि उसके ऊपर हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, क्या क्या गतिविधियाँ, ठीक है, देन हमारा आउटपुट आ जाएगा कि अभी हमारा इनपुट का जो प्रोसेसिंग है, इसके बाद हमारा क्या रिजल्ट आया, क्या अचीवमेंट आया, वो सारा हमारा आउटपुट के अंदर आएगा। इसके अंदर अपन लोग देखते हैं रियल लर्निंग आउटपुट, जिसको हम डिनोट करते हैं RLOC, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन ऑर्डर टू टेस्ट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अटेंड बाय द स्टूडेंट्स अबाउट द टॉपिक द पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रियल लर्निंग आउटपुट है ना, आप इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पूछ के ही कर सकते हो, ठीक है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की, जो भी नॉलेज उन्होंने अटेंड करी, जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित करा, या जो भी उन्होंने समझा, वो ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन पूछ के ही जो है वो ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, नहीं, ये हम जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स पूछ सकते हैं कि बच्चे फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हो आप, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बुक पे दिया होगा जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिस्ट सम सोर्सेस ऑफ वाटर, ये हमारा रहेगा क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ, फिर कहता है व्हाट आर द वेरियस वेज टू कंजर्व वाटर, तो वाटर को कंजर्व करने के कौन कौन से तरीके, ये आप सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद याद रखने की टॉप जो भी आप क्वेश्चन पुट करोगे वो रेलिवेंट टू द टॉपिक होने चाहिए, जो भी आपने चीज़ें ऊपर जो है वो टीच करी है उसके रिलेटेड हमारा जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट रहता है होम असाइनमेंट, तो होम असाइनमेंट में आप टॉपिक यहाँ पे और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे ऑब्जर्व एंड इनलिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एट योर होम, तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने घर में और इनलिस्ट करना है, मतलब लिस्ट बनानी है कि क्या क्या यूजेस होते हैं वाटर के आपके घर पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, होम असाइनमेंट है, ये आप कल करके आओगे। तो ये था हमारा कंप्लीट लेसन प्लान जो मैंने आपसे डिस्कस करा। ठीक है, टॉपिक था हमारा वाटर, ठीक है, क्लास सिक्स, तो जो भी आपका है इसके साथ, ठीक है, रिलेट कर सकते हो आप चीज़ों को, अगर आप चाहते हो कि कहीं पे अपडेटेशन की ज़रूरत है तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है,
और बाकी मिनिएचर लगाना नहीं बोलना है, ठीक है, और फाइल को भी अच्छे से डेकोरेट करना है, ठीक है। ये चीज़ें आप सारी की सारी यहाँ पे सीखोगे तो आगे जाके आपके काम आने वाली हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे अगर इन चीज़ों को आप इग्नोर करोगे, निगलेक्ट करोगे, तो फिर ये आने वाले टाइम में ना आपको फिर इसका जो है वो पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थी कंप्लीट वीडियो, और आशा करता हूँ कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए ये वीडियो, ठीक है। बस आपको भी जो है वो एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। आप भी हमें मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, ठीक है। उसके लिए आपको हमारा चैनल कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय Subscribe बाय, हैव अ now गुड डे।